में 5-10 लाख रुपए रेज करना आजकल मार्केट में कुछ भी नहीं है। कोई क्यों आप में पैसा इन्वेस्ट करेगा? आप लोगों को जल्दी लोन बैंक नहीं देती है, आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले आप पे बिलीव नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बाहर निकल के आप पैसा रेज कर लेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं एंड परेशान है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ यू कैन रेज फंड्स फॉर योर स्टार्टअप, कैसे आप पैसा रेज कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, जो भी कर रहे हैं उसको साइड में रख दीजिए, फुल अटेंशन के साथ वीडियो को फुल स्क्रीन करके लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे फंडिंग से रिलेटेड, जैसे हम लोग जानेंगे एस्टिमेट क्या होता है, कैसे करना होता है, स्मॉल बिजनेस अगर आप रन करने वाले हैं तो उसके लिए कैसे आप फंड रेज करेंगे, डेप्ट क्या होता है, इक्विटी फंडिंग क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसके लिए कितना पैसा लगेगा, ये आप एस्टिमेट कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपको लग रहा हो कि हाँ 50,000-1,00,000 में बिजनेस हो जाएगा, जब आप स्टार्ट किए तो पता चला कि इसमें तो लाखों और करोड़ों लग जाएंगे। तो बेस्ट रहेगा कि आप एस्टिमेट कर लें प्रॉपर कि आपको कितने पैसे चाहिए इस बिजनेस के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मंथ आपने एस्टिमेट कर लिया है तो एस्टिमेट ऐसा भी नहीं कि एक मंथ या दो मंथ का आप एस्टिमेट करके चल दिए कि इतना पैसा मुझे चाहिए, कम से कम 1 ईयर का एस्टिमेट करिए। हो सकता है कि 1 ईयर का आपको 5 लाख रुपए लग रहा है पूरा बिजनेस को सेटअप करने में और आप सिर्फ 1 लाख रुपए रेज कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन आप एस्टिमेट पूरा 1 साल का मिनिमम करके उसके बाद ही पैसा रेज करने के लिए मार्केट में निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट आपने कर लिया, एस्टिमेट करने के बाद मैं मान के चलता हूँ अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई स्मॉल बिजनेस आप रन कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस है जिनकी आपको बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, आप कोई छोटा सा ग्रोसरी स्टोर खोलना चाह रहे हैं या ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोलना चाह रहे हैं या छोटा सा कोई रिटेल स्टोर खोलना चाह रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए में आपका पूरा सेटअप हो जा रहा है। कोई छोटा सा हो सकता है आप ऑफिस खोल रहे हैं या ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम करना चाह रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर हम लोग से जुड़ के ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख में आपका ऐसा काम हो जाएगा। तो इस केस में आप पैसा कहाँ से रेज कर सकते हैं? बेस्ट तरीका होता है पैसा रेज करने का कि आप अपने दोस्तों को लुकआउट करें, कौन से अमीर दोस्त हैं आपसे उनसे पैसे आप रेज करें, अपने रिलेटिव से पैसे आप रेज करें, अपने फैमिली मेंबर से मांगे, आपके मामा चाचा ताऊ ऐसा कोई है पैसा वाला जिससे आप पैसे रेज कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो ये सबसे आसान तरीका है। देखिए अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले आप पे बिलीव नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बाहर निकल के आप पैसा रेज कर लेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए घर से फ्रेंड्स रिलेटिव या अपने लाइक रिलेटिव से या अपनी फैमिली से रेज करने का क्या बेनिफिट है? इसमें कोई भी आपको कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कोई दोस्त ऐसा नहीं बोलेगा कि चल अपने गाड़ी की चाबी रख मेरे पास तब आपको लोन मिलेगा, राइट? तो कोई कोलेट्रल का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये इसका प्रो है, बहुत ही आसान है। इसके अलावा एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है या पैसे पे करने में आप नहीं कैपेबल होते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वहाँ पे आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, ये कॉन्स है, लेकिन प्रो है कि बहुत ही आसानी से पैसा आपको मिल जाएगा। दूसरा जो तरीका है कि आप डेब्ट फंडिंग ले सकते हैं, डेब्ट के थ्रू फंडिंग ले सकते हैं, डेब्ट के आप लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से उनसे आप पैसे उठा सकते हैं। कोई मान के चलो कि आपको ज्यादा पैसे चाहिए, मान के चलो कि 15-20 लाख रुपए चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो फ्रेंड्स या रिलेटिव से इतने पैसे एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो सकता है कि ऐसे लोग आपको ना दिखे या ऐसे फैमिली में या रिलेटिव में ऐसे लोग ना दिखे तो इतना पैसा आपको दे पाए। बैंक्स बहुत ही आजकल फेवरेबल है बिजनेसेस पे, बिजनेस के लिए लोन देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आपके पास एक बढ़िया बिजनेस प्लान है और उस बिजनेस प्लान के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं बैंक में, तो वहां से आपको पैसे आसानी से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको पता रहना चाहिए कि बैंक के थ्रू आप लोन ले रहे हैं तो आपको रीपे करना ही करना है, और रीपे करना है तो कम से कम 8-12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इतना पैसा आपको एडिशनल पे करना है। एंड जब भी आप लोन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहना चाहिए कि एक्चुअली आप क्या बिजनेस करने जा रहे हैं, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपको बैंक लोन देगी। अब इसके बेनिफिट क्या है? अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो कोई भी आपको अपने बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं देना होगा, राइट? इक्विटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस में आप कुछ परसेंटेज दे दिए, कुछ अपना लाइक उनको एक पार्टनर बना लिए, राइट? तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी इक्विटी नहीं शेयर करना होगा। लेकिन कौन क्या है यहाँ पे तकलीफ क्या है,
कि आपको कोई कोलेट्रल हो सकता है देना पड़े वहां पे। कोलेट्रल के आपके पास कुछ तो गिरवी रखने के लिए होना चाहिए, या फिर आपके यहाँ कुछ तो ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जिसपे ट्रस्ट करके आपको बैंक लोन दे दे। बट अच्छा, आप लोगों को जल्दी लोन बैंक नहीं देती है, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपके पास ऐसे एसेट्स हो, आपके फैमिली के पास ऐसे एसेट्स हो जिसके बेसिस पे आपको लोन मिल पाएगा। डेब्ट है, डेब्ट के बाद सबसे जो अभी पॉपुलर चल रहा है फंडिंग के लिए स्टार्टअप में, दैट इज इक्विटी फंडिंग। सबसे पहले समझ जाते हैं इक्विटी क्या है। इक्विटी मतलब मैंने जैसा पहले एक्सप्लेन किया कि आपके बिजनेस का एक शेयर जो है वो किसी और के पास जाता है। आपका बिजनेस जो है ओवरऑल 100% इक्विटी है, ठीक है। अब मान के चलो दो लोग बिजनेस में, दो पार्टनर है, दोनों के पास 50-50% इक्विटी है। अब कोई एक इन्वेस्टर लेके आते हैं आप, जिससे 10 लाख रुपए आपने रेज किया। अब वो बोलता है मुझे 10% इक्विटी चाहिए, मतलब मुझे 10% हिस्सेदारी चाहिए। तो वहां पे अब आपके पास 45% बिजनेस का बचेगा, आपके पार्टनर के पास 45%, और वो जो बंदा है जिसने आपको फंड दिया उसके पास 10% आपके बिजनेस का चला जाएगा। वहां पे अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो 10% आपको उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्विटी। इक्विटी क्या, आप एंजल फंडिंग ले सकते हैं, वीसी फंडिंग ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं, वीसी के थ्रू पैसे ले सकते हैं। आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एंजल फंडिंग, एंजल्स खोजेंगे। दे आर कॉल्ड एंजल्स बिकॉज वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एंजल्स के थ्रू पैसे ले सकते हैं। कोई फंडिंग इंस्टीट्यूशन से, इससे भी ज्यादा पैसा चाहिए, वीसी या फंडिंग इंस्टीट्यूशन से आप पैसे ले सकते हैं। देखिए, फंडिंग लेने के लिए इक्विटी के थ्रू जरूरी है कि आपके पास एक बेहतर पिच देखो, कोई क्यों आप में पैसा इन्वेस्ट करेगा। आपका बिजनेस हो सकता है नेक्स्ट 5 साल तक प्रॉफिटेबल ना हो, नेक्स्ट 10 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं हो, आपका ऐसा बिजनेस प्लान हो, तो वहां पे आप पे कोई क्यों इतना पैसा लगाएगा। आप देखिए जोमेटो जैसी कंपनी, अभी तक उसने 1 रुपया कमाया नहीं, 1 भी रुपया प्रॉफिट नहीं अर्न किया, स्टिल उसके इन्वेस्टर्स उसमें और पैसा डालने के लिए रेडी है। पेटीएम ने प्रॉफिट नहीं कमाया लेकिन उसके इन्वेस्टर्स उसमें और पैसा डालने के लिए रेडी है। क्यों? वैसा उनका पिच है। जाते हैं जब दीपेंद्र गोयल सर पिच करने के लिए, बहुत ही खतरनाक पिच करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, कोई भी इन्वेस्टर रेडी होता है उनके स्टार्टअप में पैसे डालने के लिए। तो ये आपको देखना है कि आपके पास बढ़िया पिच डेक रेडी हो। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप इक्विटी लेते हैं तो जिनसे आपने फंडिंग ली है वो आपके एक काइंड ऑफ बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, फ्लिपिंग बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके बिजनेस में, लेकिन अगर आप वहां पे आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो आपके पार्टनर रहेंगे। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है इस अगर इक्विटी के थ्रू आप फंडिंग ले रहे हैं। लेकिन कौन सी है कि आपको यहाँ पे इक्विटी शेयरिंग करना होगा, सर यहाँ नो लिखा हुआ है, ये बेसिकली इक्विटी शेयरिंग आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग। तो जिनके साथ भी आप फंडिंग रेज करें वहाँ पे आपको उनको अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, उनको अपना इक्विटी शेयर करना पड़ेगा। तो ये है इक्विटी फंडिंग। दीज आर ऑल द वे जिसके थ्रू आप अपने स्टार्टअप के लिए पैसा रेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे आसान है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू पैसे अर्न करें, पैसे रेज करें, अर्न नहीं, आपको रेज करना है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास पैसे हैं, उनसे आप ले सकते हैं पैसे। और आजकल क्या है ना, थोड़ा फंडिंग का बूम चल रहा है, आपको ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये शार्क टैंक इंडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के रील्स देख के सबको इन्वेस्टर बनना चाहता है। तो आपको अपने अगल बगल ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। 5-10 लाख रुपये रेज करना आजकल मार्केट में कुछ भी नहीं है, कॉलेज के बच्चे इतना पैसा रेज कर ले रहे हैं। तो अगर आपके पास अच्छा पिच डेक है, अच्छा बिजनेस प्लान है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप प्लान करें तो आराम से आप इतने पैसे रेज कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ इनसाइट मिला होगा, आप कुछ सीखे होंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस फंड रेज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ इनसाइट मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है और आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के उसको कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो वीडियो उन तक जरूर शेयर करिएगा। अगर इस वीडियो से आप शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।